नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा विप्रो में जो रिक्वायरमेंट आई है 2022 के लिए, इस बारे में इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो है एलिजिबिलिटी आप लोगों से मांगी गई है, एज क्राइटेरिया कितना जो है इसमें मांगा गया है, किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जो है जाके विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर बटन दिया गया है रजिस्टर नाउ, तो यहाँ से जो है आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 60% इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर 60% जो है आप लोग के मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 60% होना ही चाहिए 10th और 12th स्टैंडर्ड में, तो ये आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 6.0 CGPA और 60% इन ग्रेजुएशन, तो आप लोग के जो है CGPA 6.0 होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में आप लोग के 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें मैक्सिमम 1 ईयर एक्टिव बैकलॉग इन अलाउ, तो काफ़ी अच्छी बात है जो है आप लोग को यहाँ पर जो है मैक्सिमम 1 ईयर का एक्टिव बैकलॉग अलाउ किया गया है, ठीक है। और CSIT वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें ईयर ऑफ पासिंग 2022, जो लोग अभी रिसेंटली पास हुए हैं, ठीक है, 2022 ईयर में, तो वो लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, जो है यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर बात करें 3 ईयर टू गैप अलाउ इन एजुकेशन, तो यहाँ पर जो है 3 ईयर का आप लोग को गैप अलाउ दिया गया हुआ है, ठीक है, 10 टू ग्रेजुएशन में, ठीक है। और हम लोग बात करें तो ग्रेजुएशन शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 4th ईयर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो आपसे यहाँ पर देखेंगे बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप लोगों से 25 यहाँ पर जो है रखी गई हुई है, ठीक है। एवोल्यूशन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है पहले आप लोगों से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, असेसमेंट होगा, उसके बाद बिजनेस डिस्कशन, ठीक है, लेटर टू इंटेंट, उसके बाद जो है आप लोग को ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी की हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख प्लस 1 लाख रिटेंशन बोनस पेड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटेशन एंड मर्ज टू CTC आफ्टर 1 ईयर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 10 लाख आप लोग को सैलरी मिलने वाली है, जो काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। और आफ्टर जो है 1 लाख, ठीक है, रिटेंशन बोनस पेड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटेशन एंड मर्ज टू CTC आफ्टर, तो आप लोग को जो है इसमें जो भी बोनस होगा वो आप लोग को 1 ईयर जो है आप लोग के कंप्लीट होंगे उसके बाद यहाँ पर मिलने वाला है। डेजिग्नेशन की हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर जो है ये डेजिग्नेशन है, ठीक है। कैरियर बैंड B1 है, ठीक है। यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट की हम बात करें तो नॉट एप्लीकेबल बताया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग से किसी भी तरह का जो है एग्रीमेंट नहीं कराया जाएगा, ना ही कोई बॉन्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो है इतनी डिटेल दी गई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट कि जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है जाके विजिट कर लिएगा, ओके। और यहाँ से जो है इसके लिए रजिस्टर कर दिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को जो है मेरे सब्सक्राइब कर लिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो जो है किसी और के काम आ सकती है, तो आप लोग जो है एज अ फ्रेशर स्टूडेंट है उन लोग को आप सेंड कर दिएगा, तो वो लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।